आप 150 के 150 सवाल को आईआईटी लेवल का नहीं बना सकते। 50 सवाल रहेगा, कठिन बनाएंगे उसको हम, उसमें निगेटिव मार्किंग भी रखेंगे। ये तो पहले कह के बच्चों को एक तरीके से हतोत्साहित करना और डरा रहे हैं। इंटरव्यू लेते हैं तो क्या बेंच में भी तुक्का चलता है, इंटरव्यू में भी तुक्का चलता है। आकाश से उतरे हुए दिव्य पुरुषों को, देवताओं को आप बीपीएससी में नियुक्त नहीं करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आप बिहार बोर्ड या अन्य जगहों से पढ़े लिखे सामान्य छात्रों को ही बीपीएससी अधिकारी बनाएंगे, जो मेहनत करते हैं, मेहनत करके परीक्षा पास करते हैं। मतलब मुझे ये बताया जाए कि कौन इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जिसका नहीं होता है तो? और किस तुक्का मारे स्टूडेंट का होता है, इसका लिस्ट आप निकालिए, सार्वजनिक करिए। हुजूर काहे, मतलब ठीक है, कहावत है अपनी इज्जत अपने हाथ, बिहार की इज्जत भी आप ही लोगों के हाथ में, ऐसा उलूल जुलूल बयान। बीपीएससी चेयरमैन का तुगलकी फरमान, और वैसा तुगलकी फरमान जिसको ना आपको समझ में आएगा ना उन अभ्यर्थियों को समझ में आएगा जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं। और ये सीधे सीधे मजाक है बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ। क्या मजाक है, कैसा मजाक है बीपीएससी के द्वारा, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ शशिशेखर जी, मैं उनसे बात करता हूँ। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। ये क्या है बीपीएससी का ये जो नया तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि अब क्वेश्चन पैटर्न बदल देंगे, नंबर बदल जाएंगे, मतलब क्या है ये? मतलब इससे भी बड़ी बात ये है कि जो माननीय चेयरपर्सन है, चेयरमैन है बीपीएससी के, श्री अतुल प्रसाद जी, उनसे सीधा सवाल ये है कि साहब आप ये बताइए कि आप कठिन प्रश्नों को हल करके परीक्षा पास किए थे या आसान प्रश्नों को हल करके? हाँ जी, ये तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप इंटरव्यू में मीडिया को ये कह रहे हैं कि हम कुछ कठिन प्रश्न देंगे तो क्या बाकी के सवाल आसान होते हैं? और वो ये भी कह रहे हैं सर कि मतलब अब जो तुक्का मार के पास कर जाते हैं, मतलब ये क्या है? तो ये तो सबसे पहले उनको क्लियर करना चाहिए कि वो कैसे पास किए थे, तुक्का मार के किए थे या वो वाकई बड़े मेधावी छात्र थे, और अगर मेधावी छात्र थे तो उनके साथ तो अन्याय नहीं हुआ। तो अभी मेधावी छात्रों के साथ सिली मिस्टेक, व्हाट इज सिली मिस्टेक? अब वो कैसे, वो पता कैसे करेंगे कि कौन मेधावी है कौन क्या है? व्हाट इज सिली मिस्टेक? बीपीएससी के पीटी में दुनिया के सारे विषय होते हैं। कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आएगा तो जाहिर है कि उसका साइंस और मैथ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। कोई ह्यूमैनिटीज से आएगा तो उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी हो सकता अच्छा है, बहुत अच्छा होगा। तो किसी न किसी विषय में वो अच्छा स्कोर करेगा और किसी न किसी विषय में वो कम स्कोर करेगा। बिल्कुल, जैसे बहुत सारे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैथ एक कठिन होता ही है जी। तो उस 10 सवाल में अगर तुक्का भी मारेगा तो 2-3 सवाल सही होगा, दूसरा क्या होगा है? नहीं नहीं, ये तुक्का मारेगा कि नहीं मारेगा, वो पढ़ के मार रहा है या तुक्का मार रहा है, इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे वो? हमने ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला है कि छात्र ने तुक्का मार के जो है वो पीटी क्लियर कर लिया? ये तो छात्रों के साथ अभद्र मजाक है ये, कि मतलब जो पास कर रहे हैं उसमें कुछ तुक्का मार के कर रहे हैं, कुछ इंटेलिजेंट है ये क्या ये है? छात्रों के साथ मजाक ही नहीं है ये, बिहार के साथ, बिहार के एजुकेशन सिस्टम के साथ भी मजाक है। इतना प्रयोग करने की छूट सरकार को नहीं देनी चाहिए सर। उससे इस पर आपको याद होगा पिछले बार भी परसेंटाइल की व्यवस्था जी की जानी थी, जिसका भारी विरोध छात्रों ने किया और वापस लेना पड़ा। तो ये बड़ा अजीब लगता है भाई। देखिए, एक अगर आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना, इवेन ऑप्शन ई पांचवा जो ऑप्शन ई है वो 150 के 150 सवाल को कठिन बना देता है। हाँ बिल्कुल, अगर कोई छात्र पढ़ा लिखा छात्र भी है तो उसको इतना थोड़ो पढ़ना पड़ेगा कि वो पांचवे ऑप्शन को समझ सके जी, कि एक या एक से अधिक या कोई नहीं, एक पांचवे ऑप्शन में तीन जवाब है, एक या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, इतना जवाब देना। महाराज जो जवाब दे रहा है, तुक्का क्या होता है? तुक्का 10-15% होता है। तो 6 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया तो आप डर गए, मतलब आप डराना चाहते हैं उन बच्चों को कि हम ऐसा कड़ा परीक्षा बना देंगे, कोई या ही ना। हम तो चाहते हैं सर कि जैसे ये कह रहे कि आज तक बीपीएससी ने तुक्का मारने वाले को लिया तो सबसे पहले उनको हटा देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये नीतीश कुमार के पॉलिसी को खुली चुनौती दे रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन। बिल्कुल, ये बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद नीतीश कुमार के महिला समर्थक नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
नीतीश कुमार ने यह कहा कि भाई जो महिला पीटी पास करेगी उसको हम 50,000 रुपये, क्यों कहा? इसलिए कहा कि इससे भी कम से कम प्रेरित होकर लड़कियां पढ़े लिखे जी जी परीक्षाओं की तैयारी करें, एक पठन पठन पाठन शिक्षण का माहौल बने। और आप आए हैं बड़का, मतलब पता नहीं कहाँ से कौन सा मेधा अंक लेकर कि 50 कठिन सवाल देंगे, नंबर बढ़ा देंगे, है निगेटिव मार्किंग कर देंगे। क्यों कर देंगे निगेटिव मार्किंग? इतने दिन से जो बीपीएससी के चुने गए हैं एस्पिरेंट्स, वो सब क्या तुक्का मार रहे हैं? ये तो तमाम बीपीएससी के टॉपर्स के साथ मतलब उनका अपमान है। नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब कि पहले जो क्वेश्चन ये सेट करेंगे उनसे फेस करवा लिया जाए। मतलब गद्दी मिल गई, सीट मिल गया तो कुछ भी निर्णय ले लेना है, जबकि पता है कि आपका जो स्टेट का हेड है, जो स्टेट का मुखिया है, वो सोच रहा है, वो मानवीय तरीके से सोच रहा है, वो सोच रहा है कि लोग पढ़े। 6 लाख है, 6 लाख का परीक्षा हुआ ना अभी, उसमें कितने एपियर हुए? 3.5 लाख एपियर हुए। तो अब 3-4 लाख 39 जिले, इतना बड़ा एरिया है, हजारों की संख्या में स्कूल है सरकारी, पर अब करा नहीं पाएंगे। तो आप अपनी अक्षमता को मेधावी छात्र, तुक्का मार छात्र, सिली मिस्टेक, नेगेटिव मार्किंग, इस सब में मत ढकिए। नहीं हो रहा आपसे, आप इस्तीफा देकर निकल जाइए बीपीएससी से। बहुत तमाम लोग हैं जो तुक्का मार के नहीं आए हैं बीपीएससी और यूपीएससी से, वो एकदम पढ़ लिख के, बाकी मेधावी लोग हैं वो लोग संभाल लेंगे कैसे करना है। लेकिन ये क्या मजाक है? कभी परसेंटाइल ले आए जो समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या निगेटिव मार्किंग, अपना नया एक्सपेरिमेंट कर दिए, सब आप ही समझेंगे यार, विद्यार्थियों को समझ। विद्यार्थी आप बताइए भीम जी, एक साल से कोई छात्र तैयारी कर रहा है एक पैटर्न पे, अभी अक्टूबर का महीना है, अभी पिछले महीने या इसी महीने में उसने 67वीं दिया है, बिल्कुल अभी जनवरी फरवरी में उसको 68वीं देना है, आप पूरा का पूरा पैटर्न चेंज कर दीजिएगा। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट होगा कि नहीं उसके ऊपर? ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ही क्रिएट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बच्चे कम आए, ये तो हमको तो लगता है। मैं नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन करूंगा, तेजस्वी यादव जी से कहूंगा कि इस तरह के प्रयोग करने की छूट जो है बीपीएससी को नहीं मिलनी चाहिए, आप लोग इस पर कड़ी नजर बनाए। बिल्कुल नहीं, हमारे कहने का मतलब किस तरीके का नियम प्रयोग करने के लिए उनको कौन इतना पावर दे दिया है, कौन दिया इतना पावर? पावर तो चलिए है, बीपीएससी के चेयरमैन है तो उनको पावर है कुछ भी करने का सर। हाँ, लेकिन कुछ भी करने का नहीं है, कुछ भी लोकतंत्र है ना आखिर में, तो लोकतंत्र है। और जनता सड़क पर उतर गई थी ना पटना में, तो परसेंटाइल वापस लेना पड़ा सरकार को, तो आप तो कुछ बोल दीजिएगा। सरकार की फजीहत होती है, पॉलिटिकली नुकसान होता है, जनता को तो यही लगता है कि भाई सरकार ने किया, नीतीश कुमार ने ये काम किया, बिल्कुल कर रहे हैं उनके अधिकारी। तो नीतीश जी को भी, जो इससे भी कंसर्न नेता है, उन लोगों को चाहिए कि ये उल जुलूल जो भाई सिंपल सी बात है कि आप कौन होते हैं, आप एक तो बहुत ही वरिष्ठ ज्ञानी लोगों से क्वेश्चन पेपर सेट करवाते हैं, बिल्कुल वो एक मिक्स अप्रोच के साथ क्वेश्चन पेपर सेट कर, आप 150 के 150 सवाल को आईआईटी लेवल का नहीं बना सकते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप आकाश से अधिकारी लेकर नहीं आइएगा, है यही के पढ़े अधिकारी नहीं जाएंगे जी। नहीं नहीं, मतलब आकाश से उतरे हुए दिव्य पुरुषों को, देवताओं को आप बीपीएससी में नियुक्त नहीं करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आप बिहार बोर्ड या अन्य जगहों से पढ़े लिखे सामान्य छात्रों को ही बीपीएससी अधिकारी बनाएंगे, जो मेहनत करते हैं, मेहनत करके परीक्षा पास करते हैं जी। तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, 150 क्वेश्चन है, आप कट ऑफ तय करते हैं, हल्का सवाल होता है कट ऑफ बढ़ जाता है, थोड़ा कठिन होता है कट ऑफ कम जाता है, मतलब ये हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी एक मैकेनिज्म है, तो ये नया प्रयोग क्यों करना कि 50 सवाल रहेगा, कठिन बनाएंगे उसको हम, उसमें निगेटिव मार्किंग भी रखेंगे। ये तो पहले कह के बच्चों को एक तरीके से उत्साहित करना और डरा रहे कि आप 50 कठिन सवाल होगा, आपको अंदाजा नहीं है कि कैसे कैसे लोग तैयारी करते हैं, कितनी कठिनाई में आके तैयारी करते हैं, एक सपने को पूरा करने के लिए आते हैं। वाकई उसमें बहुत सारे लोग जो है सीरियस होते हैं, सब तुक्का मार नहीं होता है, दो चार को चलिए तुक्का मार भी अगर आ ही गया
पहले देखिए ये कहना कि तुक्का मार आ जाता है अपने आप में। एक चीज वो कहेंगे तुक्का मार करके वो आ तो जाता है, कैसे आएगा? नहीं इनके कहने नहीं, के कैसे आएगा? उसके बाद मेंस लेते हैं आप, उसका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेते हैं तो क्या मेंस में भी तुक्का चलता है? इंटरव्यू में भी तुक्का चलता है इनके कहने के हिसाब से। तो माननीय बीपीएससी के माननीय अतुल प्रसाद जी जो आप अध्यक्ष हैं, कृपया ऐसी बातें न करें जिससे आपके ज्ञान पर सवाल खड़े हो, डाउट खड़े हो। बिल्कुल। और ऐसा न लगने लगे छात्रों को कि कहीं ये भी तुक्का मार तो नहीं है। हमको तो कहना है कि अगर ये सवाल इस तरीके से बनाते हैं तो पहले इन्हीं को उस सवाल से फेस कराया जाए। अगर इनके अंदर मतलब ये जैसे तुक्का मार और सिली मिस्टेक और इंटेलिजेंट वाली बात कर रहे हैं, नहीं मतलब मुझे ये बताया जाए कि कौन इंटेलिजेंट स्टूडेंट है कि जिसका नहीं होता है तो, और किस तुक्का मार स्टूडेंट का होता है, इसका लिस्ट आप निकालिए, सार्वजनिक करिए, आप बताइए सरकार को और जनता को कि पिछले 5 साल के बीपीएससी में कौन इतने इतने तुक्का मार अभ्यर्थी आए और इतने इंटेलिजेंट आए, और इन तुक्का मार अभ्यर्थियों के कारण इतने इंटेलिजेंट बाहर रह गए, ये आप बता सकते हैं तो बताइए, फिर आपके निर्णय का स्वागत है। अन्यथा आप अपने तुगलकी फरमान जल्द से जल्द वापस लाइए, छात्र सड़क पर उतरे, सरकार को राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़े, सरकार को फजिया झेलनी पड़े, उससे पहले ये फैसला आप वापस ले लीजिए। कल ही गए हैं, कोई दिलीप कुमार हैं, दिलीप जी हैं जी, छात्र नेता हैं जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के, उन्होंने शायद बातचीत की है और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर वो और भी आगे बातचीत होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर नीतीश जी आगे आएंगे और इसको वापस किया जाए, इसको वापस करेंगे, और ये इनका जो पूरा जो तुक्का मार ज्ञान का जो भंडारा पिटारा है वो फिर से अपने पिटारे में जाके बंद हो जाए, जैसे परसेंटाइल में बंद हो गया था। तो हुजूर काहे मतलब ठीक है, कहावत है अपनी इज्जत अपने हाथ, बिहार की इज्जत भी काफ़ी लोगों के हाथ में, ऐसा उलूल जुलूल बयान प्रयोग करिएगा, आराम से करिएगा, जब टाइम मिलेगा 1-2 साल का बच्चों को टाइम मिले आप कर दीजिए, एकदम ओके कर दीजिए और सेट भी करा लीजिए, 69वीं के लिए एक साल का टाइम दे दीजिए और तब करिए, करिए बताइए कराइए, बच्चे भी प्रिपेयर करेंगे। ये 67वीं खत्म नहीं हुआ और 68वीं 2 महीने बाद है, लगे प्रयोग करने 2 महीना में, ऐसा मत कीजिए हुजूर। ठीक है, आप लोग बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, आपकी प्रतिभा और आपके ज्ञान पर कोई शक नहीं है, उसी तरह आप वुड बी बीपीएससी कैंडिडेट्स के प्रतिभा पर भी शक मत कीजिए। चलिए सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप देख रहे थे कि हम लोग बात करते हैं लेकिन कौन दिया है अधिकार उनको सोचना पड़ेगा इस पे, और इस तुगलकी फरमान को जल्द से जल्द वापस ले लीजिए, उससे पहले जैसे सर ने कहा कि जनता को सड़क पे आने पड़े और सरकार को घुटने टेकने पड़े, उससे पहले आप वापस कर लीजिए, यही अच्छा होगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ मजाक न करें आप जैसे अधिकारी, वरना आप पे भी सवाल खड़े हो सकते हैं। तो बीपीएससी के और भी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ, किस तरीके से तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, हम लगातार इस पे अपडेट करते रहते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पीछे हमारे जाके वीडियो प्लेलिस्ट में आप देखें, मैं आपको पूरा वीडियो बताया हूं कि कैसे तैयारी करें, क्या करें क्या ना करें। तब तक के लिए देखते रहे फाइनल पोस्ट, आगे भी बने रहेंगे आपके साथ। नमस्कार।